अल्पसंख्यक समाज से जुड़े प्रबुद्ध लोगों की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा, सिख समाज से जगनैन सिंह नीटू सहित अल्पसंख्यक समाज से जुड़े अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने शासन द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि अल्पसंख्यक विभाग से कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इस दौरान बैठक में मौजूद अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने आय जाति प्रमाण पत्र बनाने की समस्या सहित अन्य समस्याओं से संबंधित अधिकारी को अवगत कराया, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने उसके निराकरण का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, लेकिन आज तक मेरे पास फोन नहीं आया, ना ही ना नोट हुआ, ना ही मोबाइल नंबर नोट हुआ। ठीक है सर, नाम नंबर क्या हुआ नोट करके, नाम नोट नहीं होता, नंबर नोट नहीं होता, तो मैं ये कहूंगा कि क्यों नहीं होता। अगर एक आदमी समाज सेवी है और की बातों को बताएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री की लीड होगी, नीति चल रही है, वो अपने समाज में बताएगी, हर एक चीज करेगी, आप उनको बताएगी है, हमारे समाज में राइट वर्ड इज, हमारे समाज में कहीं भी बंदा जो इसको नीड है, हमें वहां पहुंचना है। ये आपसे ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, छोटे ग्रुप्स में कर सकते हैं, बड़े ग्रुप्स में कर सकते हैं, बट रेगुलर रहेगा। अब मैं आपको एक और इसमें ऐड करता हूँ, हमने मीडिया को भी इसमें अपना पार्टनरशिप बनाया है, तो मीडिया से भी हम लोग वीकली बाई वीकली संवाद करते हैं। ऐसे जो आप अभी नेम सजेस्ट कर दोगे कि सर अगली मीटिंग में ये होने चाहिए, वो लोग हो जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएगी। और जैसे मैंने अभी बोला कि बच्चों से हमारा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, अगर आप बच्चों को भेजोगे तो हम लोग कर रहे हैं, बच्चे भी एक हमारे मैसेंजर बन जाएंगे। और मैं जब भी यहाँ बैठा हूँ, मैं रेगुलर मिलता रहता हूँ ऑफिस आवर्स में, पूरा दिन मेरा खुला रहता है जो ऑफिस, ठीक है, तो जो भी आएगा हम उसकी समस्या का हल करेंगे। लेकिन इसका पर्पज जो है सामाजिक, समाज में जो लास्ट निचले पायदान में बंदा बैठा है वहां तक वहां पहुंच रहा है, उसकी जिंदगी में हमें सपोर्ट दे रहे हैं, आप उसमें आप सहयोग कर रहे हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो और मैं हमेशा जो मीटिंग से एकदम ओपन रखता हूँ, everybody should speak, जब तक बोलेंगे नहीं हम लोग तब तक मतलब चीजें आगे होगा नहीं, शब्दों से हर चीज स्टार्ट होती है, ठीक है, सब लोग बैठे। और जिस तरह अभी तक बातें सुनी कि अब टाइम टू टाइम ऐसी मीटिंग्स होंगी, हम जैसे लोग जिसे सजेस्ट करेंगे हमारी संख्या बढ़ती है, और जितने आराम से हमारे ऑफिसर्स ने समझाया है, ये गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंट नीति का सबसे सुंदर उदाहरण चल निकलेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, देखिए हम ग्राउंड में काम करते हैं, सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे, ये हमारे आम आदमी तक कोई योजना क्यों नहीं पहुँच, पहले सिस्टमेटिक नहीं था, अब सिस्टम आ रहा है, सरकार की बात होगी, बड़े लोग परेशान होते हैं, नीडी पर्पल्स नहीं बन पाता है। हमें भी जानकारी मिली प्रधानमंत्री रोजगार कल्याणकारी योजना का होने के बाद, जब मैंने उसके कई सारी मीटिंग्स, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई के साथ दामोदरदास मोदी साहब 3 दिन की, जब हमने दिल्ली में वो की, तो हमारा माइंड सेट ऑफ खुला गया। 185 परियोजनाएँ सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूपी गवर्नमेंट की, जो हमारी बेनिफिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, पता ही नहीं हमें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, छोटा सा आदमी जब किसी ऑफिस से जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। वो अटकता कहाँ है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खास से खासकर सिर्फ तो जाति प्रमाण पत्र पे ज़्यादा ही फंसता है, क्योंकि जैसे हम लिखा हुआ ना, सिख ब्रैकेट में हिंदू लिखा है ना, हमें अक्सर ऑफिसर जो कार्यालय में है, किसी भी जगह कोई चीज हम कोई भी करते हैं तो आता माइनॉरिटी सर्टिफिकेट में, जैसे सबसे अलग डिफरेंट कौम है, हम तो दूर से दिखाई देते हैं, पगड़ी बांध के सिख है, हमारे आधार बता देगा, तो आधार ही एक सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। इस पर थोड़ा चाहता हूँ, और आय प्रमाण पत्र पे तो जरूर चाहता हूँ। आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत सारे संपन्न लोग हैं, उन्होंने शायद धक्के नहीं खाए होंगे, किसी ने नॉर्मल आदमी को जाके देखिए आय प्रमाण पत्र बनाया भी ना नहीं आता, अब धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का भी सर 10,000 रुपये की जो सबसे छोटी बात थी ना, उसका मैंने अभी स्वरूप, क्योंकि अब सही हो रहा है, पूरा नहीं सही हुआ,
मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ संत साधु आदमी हैं, सारी चीजें बहुत क्लियर वे में क्लीन वे में सबका साथ सबका विकास दृष्टि से काम कर रहे हैं वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन नीचे 10,000 रुपये में सर मैंने कम से कम 70-80 लोगों को देखा वार्ड के पार्षदों के साथ जो पार्षद बार्गेनिंग कर रहे हैं वो अभी भी है, अरे 2,000 रुपये 500 में कराता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे माइनॉरिटी के तो एक और जो बार बार मैं इंटरनेट की बात करता हूँ और बच्चे जो पीएचडी लेवल तक आ गया उस बच्चे को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो 50 बच्चों को अपने साथ लगा लें, तो उसको क्या करना है कि उसको जितनी स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट है उसको स्क्रॉल डाउन करना है, हो सकता है कि जो ये एक गवर्नमेंट दे रही है वो कम पड़े क्योंकि मैंने खुद सारी पढ़ाई स्कॉलरशिप पे की है, मैं उस समय जब पढ़ता था तो हम लोग खुद ही बैठ के ढूंढते थे हर जगह पढ़ाई करते थे, तो MHRD की साइट पे अगर जाओगे तो उसकी एक डेडिकेटेड पूरे इंडिया की www.scholarship.in करके जो बनी है MHRD की, मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो ये वेबसाइट पे सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है एज पर बच्चे की मार्क्स के हिसाब से सर्टिफिकेशन के हिसाब से, मान लो वो JRF क्वालिफाइड है और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक तब मिल जाती है उसको और अच्छा खासा मिल जाता है, और सेम बैंक लोन्स का भी है, जो बैंक लोन्स भी है वो भी अलग अलग डाइवर्स वे से मिलते हैं, तो वो जितना नॉलेज रखेगा बच्चा उतना ही बढ़िया रहेगा, अब वो नॉलेज उसको अगर नहीं मिल पा रही तो हम एक फोरम यहाँ दे रहे हैं उसको, ये हमारे जो जितने ऑफिसर्स हैं PCS IAS वो उनसे इंटरेक्ट रेगुलर करेंगे, पैटर्न हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो बच्चों को गाइड करने के लिए, मान लो कि वो घर में गार्जियन से गाइडेंस नहीं ले पा रहे या उसको सोसाइटी से वो नहीं मिल पा रहा या इंटरनेट पर भी डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो वो हमसे यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा PhD, कल मेरे पास दो बच्चे आए थे PhD के लिए कि सर हमें छात्रावास खुलवा दीजिए और बताइए कहाँ से हम फंडिंग करिए, कोरोना में हमारा बहुत फर्क खराब है, देन यही सब डिस्कस हुआ, उसी से आइडिया आया कि ये बात भी यहाँ रखी जाएगी स्कॉलरशिप को लेकर, तो आपकी बात सही है, बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूर प्रेरणा दीजिए, पढ़ाई अल्टीमेट चीज है जो हर चीज़ को ठीक करती है, और ये जो हमारे सिस्टम्स के फ्लॉ है ये भी पढ़ाई ही ठीक करेगी, जब सामने जो जिसका राइट मांगने वाला एकदम वेल एजुकेटेड है तो जो राइट देने वाला है वो भी डरेगा कि इसको मैं नहीं दूंगा तो ये मुझे कोर्ट में या कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा, ये भी एक बात है, मतलब फैक्ट है क्योंकि मैं ओपन बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से तो आपकी बात से भी मैं एग्री हूँ, तो ये मैंने नोट किया है, और जहाँ इस जब भी हमारी मीटिंग्स होती है मेरा वैसे ये अभी डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन मैं वहाँ पर जरूर रखूँगा कि इस चीज़ पर जरूर काम किया जाए, ठीक बोलिए आप जी सर, वो की है सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो अपने ब्लॉक में जो जिसमें उसका गांव पड़ रहा है वो ब्लॉक जाने ब्लॉक पर कुछ स्कीम्स हैं जो तहसील लेवल पे भी है तो उसकी मात्रा कम है, लेकिन डेवलपमेंट की सारी स्कीम्स ब्लॉक से है, और आयुष्मान कार्ड के लिए अपने CNC में भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे आपने बताया आयुष्मान मित्र है वो वहाँ बैठे होते हैं, उनसे मिलिए अपने लिस्ट में नाम देखिए जिसका नाम है तुरंत बन जाएगा, हाँ CNC सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बन जाएगा, या आयुष्मान केंद्र उस पर भी कर सकते हो, तो और अगर फिर भी नहीं होता मान लीजिए अब इसमें कोई डिसेबल बच्चा है उसको कोई समस्या आ रही है वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा, वो हमारे संज्ञान में ला दीजिए, हम यहाँ से ड्यूटी फिक्स करके उसका सर्टिफिकेशन से लेके उसका सर्टिफिकेट भी बनना है, हर मंडे या फिक्स जो भी CM ऑफिस ने किया वो उस दिन बनना है वो उसके लिए गाइड कर देंगे, क्योंकि उसका हर चीज़ स्टार्ट सर्टिफिकेट से होगी, जैसे उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना दिया किसी ने भी आपने उसका सबसे बड़ा उसके वेलफेयर कर दिया, जैसे उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आ गया तो उसके फिर ओपन हो जाते सारे आगे किस किस कहाँ कहाँ अप्लाई कर, तो वहाँ पर अगर कोई समस्या आ जाए तो हमारे कॉलेज में लाइए हम कर दें, ऐसे डिसेबल पेंशन विडो पेंशन है वृद्धावस्था पेंशन है सब ऑनलाइन है, अप्लाई करके नहीं होना क्योंकि मैं हम लोग इंश्योर करते हैं कि देखें कितने पेंडिंग पड़े उसको निकालते निकलवाते लेटर लिख लिख के, क्योंकि अलग अलग स्टेज पर वेरीफाई होता है कोई भी पेंशन है ऑनलाइन अप्लाई करते हो कि हर ऑफिसर अलग अलग स्टेज पर वेरीफाई करता है, कुछ कुछ स्कीम्स में वीडियो वेरीफाई करता है कुछ में SDM करता है, तो हम लोग यहाँ से डेटा को चेक करते रहते हैं कि किसके पास प्रेडेंसी जाते हैं और उसको क्लियर करते हैं, कल भी 2-3 लेटर मैंने इशू किए जिनके पास प्रेडेंसी कि आप इसको अगले 3 दिन में करिए होंगे ताकि वो स्पीड बने, वो सारी पेंशन की योजना भी आप जाते हैं, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं ये जस्ट आउट ऑफ बॉक्स सजेशन है, हम लोगों को हमारी एजुकेशन कभी भी जो सामाजिक सुरक्षा एक एज के बाद चाहिए उसके बारे में क्या नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा अर्न करते होंगे लेकिन सेविंग के बारे में बहुत कम प्लानिंग करते हैं, वह बिकॉज हमें उसका आइडिया नहीं है ज्यादा आदत है, जैसे PPF अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट
बहुत सारे लोगों को जो फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे लेकिन ईपीएफ के बारे में नहीं पता होगा। ईपीएफ स्कीम इतनी बढ़िया स्कीम है, उसमें पेंशन भी है, इंश्योरेंस भी है और वो भी है। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे 20 से ज्यादा इंप्लॉई है वहां पर चल भी रही होगी लेकिन उसको अपना नहीं करेंगे यूज। तो ये जो बातें हैं ये कम्युनिटी में जरूर होनी चाहिए, हर किसी कम्युनिटी में हो। तो हम 4 के बाद आए हैं, हमारी क्या है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस है, इनकी पुरानी ओल्ड स्कीम है। तो अब ये जो सिस्टम बदला है हम उसके अडेप्ट हो गए। जो हमारी एजुकेशन ने हमें सिखाया है कि जब हम लोग 18 से ऊपर आए थे तो स्टार्ट प्लानिंग अबाउट योर सेविंग्स, मुझे किसी ने गाइड किया था, मैं उसी से करता हूँ, उसी समय से कर। बहुत नॉमिनल इनकम में भी अगर आप अच्छी सेविंग कर रहे हैं तो आप अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। हम लोग हमेशा जो क्रिटिसाइज करते हैं ना कि सरकार ये भी वो नहीं कर रही, उसमें कुछ चीजें हमारे में भी कमी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को ठीक नहीं करते। सेफ फाइनेंशियल प्लानिंग में लोन भी आते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी सही करता है, और ये बच्चों का एजुकेशन का पार्ट जरूर होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी इसको बोलते हैं, जो हमारी एजुकेशन में जरूर होनी चाहिए। अगर स्कूल से नहीं मिल रही, कॉलेज से नहीं मिल रही, तो यूट्यूब कहीं से भी लीजिए, आप दिलाइए जरूर अपने बच्चों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी बच्चों को सिखानी चाहिए। सिंपल सिंपल सारे पीपीएफ अकाउंट कोई भी खोल सकता है, किसने मना किया? गवर्नमेंट दे रही है 7.5-7.1 तक एकर्स देती है, सिक्योर है 5-5 साल। खाद्य विभाग में इस समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 मार्च 2016 से हम लोगों को, हम लोगों ने आच्छादित कर रखा है। इस पर दो तरह के हमारे ये कार्ड है, एक तो पात्र गृहस्थी कार्ड जिसको सफेद कहा जाता है और दूसरा है अंत्योदय कार्ड जो लाल कार्ड है। दोनों ही कार्ड पर अत्यधिक सस्ते दर पर 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। लाल कार्ड पर चाहे एक सदस्य हो चाहे दो, जितने भी 35 किलो एक मुफ्त उसको मिल जाता है, और जो सफेद कार्ड है उस पर 5 किलो पर मेंबर। रेट सबका एक ही है। अभी जब कोविड बीच में चल रहा था तो 1 महीने में 2 बार चना भी दिया जा रहा था, चीनी भी दिया जा रहा था। फिलहाल इस महीने तो केवल खाद्यान्न है, वन टाइम है। इसके अलावा हमारे विभाग से उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। पूरा जनपद 100% सैचुरेट किया गया गैस कनेक्शन से। 10 लाख से अधिक गैस कनेक्शन जिले में जारी किए गए हैं। गैस की कोई समस्या नहीं है। कीड़ा में यहाँ प्लांट भी खुल गया है। गैस तो आप सब जानते होंगे कि इतनी है कि आज बुक कराइए तो 1 घंटे बाद ही आकर पहुंच जा रहा है। उज्ज्वला योजना में भी हमारा जनपद पूरी तरह सैचुरेटेड है। इधर बीच महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में सरकार ने निर्णय लिया था कि जो दुकानें अलाट की जाए वो स्वयं सहायता समूहों को दी जाए। जो स्वयं सहायता समूह है महिलाएं बनाती है, सरकार उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। पहले उनका एक अकाउंट खुलेगा बैंक में, उस बैंक में सरकार उस समूह को चलाने के लिए पैसा जमा करती है फिक्स है। फिर वो अपना उसको से लोन भी दे सकती है उस समूह की 10 महिलाओं को जो भी जितनी भी नंबर है, और अपना उसका पूरा लेखा जोखा रखेगी और अपना कारोबार शुरू कर सकती है। कारोबार शुरू करने के लिए बहुत सारी स्कीम इसी बिल्डिंग से रेगुलेट होती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए भी ढूंढा करता है, लेकिन हम यहाँ बुला सकते हैं। तो वो महिलाएं जो आपके मानो गरीबी स्तर पे है वो मिल जाए 10 महिलाएं, कोई पापड़ उद्योग बनाना चाहता है, अचार करना चाहता है, कुछ भी स्टार्ट कर सकते, ट्रेनिंग से लेके हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ऐसे समूह तैयार हो गए हैं, अगर आप जाओगे यहाँ भटट में, जिनकी पूंजी अभी 1.5 करोड़ रुपए है, वो हमसे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, पूरा बिजनेस उन्होंने खोल लिया। मैं मिल के आया हूँ, मैं बैठ के आया हूँ पिछले 3-4 महीने से। ऐसी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। भड़कगंज में हमने महिलाएं थी बहुत, जैसे हम लोग बोले कि हमारे जो डेवलपमेंट के नीचे पायदान पे, सरकार ने उनको माने मुख्यमंत्री जी की स्कीम आई कि उनको चूजे दे दीजिए, हमने 100 महिलाओं के ग्रुप्स को दिए। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उनसे 3 महीने बाद मिलने गया तो उन्होंने बताया कि हमने एक एक महिला ने बताया जिसमें हमने 33,000 रुपये सब कमाए। तो दैट वो सबसे सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये ऐसे काम हो रहे हैं। लेकिन आपको अगर कोई लगता है कि महिलाओं को समूह बनाया जा सकता है, इनको मदद की जा सकती है, जैसे इस वक्त राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन है, तो इसमें इस बार क्या हुआ कि जितनी भी स्कूल की ड्रेसेस है उनसे बनवाई। अब गोरखपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये रेडीमेड गारमेंट के लिए चूज कर लिया गया। अब कोई बंदा रेडीमेड गारमेंट में यहाँ काम शुरू आज करेगा, बता रहा हूँ फ्यूचर का जो लुधियाना है या हमारी जो हौजरी है, जो दूसरे है, गोरखपुर है, इतना कुछ यहाँ पे इस पर प्लानिंग और होने वाला है।
ये प्लानिंग करने की जरूरत है कि इसमें ट्रेनिंग लेके इसको किया जाए। ये जो चीजें जो इंटरेक्शन है ये इसलिए था जो आपके साथ किया गया, और भी कई चीजें जब भी आप फ्यूचर में हमसे कोई भी डायरेक्ट मिलना चाहे किसी तरह का भी आप कर सकते हो, और किसी कुछ कहना ठीक है तो फिर मीटिंग को क्लोज करें। हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न विभिन्न जो योजनाएं चलाई जा रही है, तो समाज के अलग अलग वर्गों के हमने जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको बुलाया था, और बुला के जो योजनाएं हैं जहाँ उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुना, और इसमें जो उनके बच्चे हैं यूथ हैं उसमें हर सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर में, या अपना खाद्य सुरक्षा को लेकर हर योजनाओं के बारे में अलग अलग विभाग ने अपने योजनाओं के बारे में बताया है, और उसको और बेहतर तरीके से हम लोग जो हमारे समाज में हर वर्ग को मिले और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इस तरह से हमने उसकी एक डिसेमिनेशन का कार्य शुरू किया है।